हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार और एक नई वीडियो में। और आज हम लोग हैं ब्रज रेलवे स्टेशन पे। मैं आया था कॉलेज, और कॉलेज से छूटने के बाद से वैसे मेरे पास एक दो घंटे खाली टाइम बचते हैं, क्योंकि एक दो घंटे बाद ही मेरा कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट होता है, मैं सेंटर पे जाता हूँ, तो इसलिए एक दो घंटे खाली रहता हूँ। तो यहाँ पर आकर थोड़ा बैठता हूँ, और सिर्फ बैठता नहीं हूँ, यहाँ पर बैठने पर सोचता हूँ खाली रहता हूँ तो पढ़ लूँ थोड़ा। लेकिन आज मूड था वीडियो बनाने का, तो वीडियो बनाने लगा। ये रही मेरी साइकिल, पुरानी टूटी फूटी साइकिल, और ये रहा मेरा बैग, यहाँ पर बैग है, और ये रहा मेरा बुक, और यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ करेंगे। सो हमारा यही चलता रहता है पिछले कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि मैम टाइम चेंज नहीं कर रही हैं। मतलब मेरे जो टीचर्स हैं कंप्यूटर क्लास के, वो मतलब उन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है कि वो पढ़ाएँ आकर। तो पढ़ाते हैं, पढ़ाने आएंगे, मगर उन लोगों का टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है। वैसे तो ये रेलवे स्टेशन सुनसान रहता है, मतलब बहुत कम लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए शायद मुझे इसलिए अच्छा भी लगता है यहाँ पर अकेले बैठना, और खुद से खुद के बारे में पूछना, खुद से बात करता हूँ मैं, और कोई तो होता नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, तो यही मेरा चलता रहता है ऐसे ही। अभी जाऊँगा मैं, 3 बजे से मेरा क्लास शुरू होगा, कंप्यूटर क्लास शुरू होगा, और 3 बजे कंप्यूटर क्लास शुरू होने के बाद से मुझे लगता है 5 बजे छुट्टी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है मैं पहुंचता हूँ 5:30-6 बजे, और उसके बाद फिर जाने के बाद से सब्जी खरीदना पड़ता है, फिर उसके बाद से कुछ देर पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद से फिर से वही दुकान पर कुछ ग्राहकों को हिसाब करना रहता है, और उसके बाद से सो जाते हैं, फिर वही काम सुबह उठकर करना पड़ता है। आइए आप सबको मतलब यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, यहाँ का कैसा कैसा मतलब पेड़ पौधे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस रेलवे स्टेशन का बात ही अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं दूर दूर तक बस पेड़ पौधे हैं, यहाँ से वहाँ तक बस पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, और छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और ये भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, अच्छा ठीक है, गुड बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वही पढ़ने, पढ़ाई का वक्त है, ज़्यादा ब्लॉग बनाना नहीं चाहिए, बाकी तो जो टाइम मिलता रहेगा तो ब्लॉग वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाय।